नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी जो 21वीं सदी की सबसे भयंकर बीमारी साबित हुई तथा इसने संपूर्ण दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोरोना वायरस की बात करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों वायरस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वायरस को दोस्तों हम सजीव भी नहीं कर सकते और हम इसे निर्जीव भी नहीं कर सकते। वायरस में दोस्तों आरएनए पाया जाता है तथा वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। दोस्तों वायरस की खोज इबोनोस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के जो रोगाणु थे उनको पहचाना तथा उन रोगाणु को उन्होंने वायरस नाम दिया और कहा कि ये वायरस जीवाणु से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और उन्होंने कहा कि इनको हम जीवित कोशिका भी नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों वायरस को हम जीवाणु भी नहीं कर सकते, इसको हम सजीव भी नहीं कर सकते और इसको हम निर्जीव भी नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है दोस्तों, इसको हम संयोजक कड़ी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कोरोना वायरस की अर्थात कोरोना महामारी की। चीन के वुहान शहर से 2019 में उत्पन्न हुई दोस्तों ये बीमारी। 1 दिसंबर 2019 को इसका पहला मरीज सामने आया। शुरू में तो दोस्तों इसके जो लक्षण थे वो बिल्कुल निमोनिया बीमारी जैसे थे, पर दोस्तों डॉक्टरों को धीरे धीरे संदेह होने लगा कि निमोनिया बीमारी इतनी घातक नहीं हो सकती। और इसी बीच दोस्तों कुछ दिनों बाद ही डॉक्टरों ने साबित किया कि ये कोई निमोनिया बीमारी नहीं है, जबकि ये एक कोरोना समूह का एक वायरस है और इसी से ये बीमारी फैल रही है दोस्तों। अर्थात 2019 में चीन के वुहान शहर से फैलने के कारण इसको कोविड-19 नाम दिया गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, जिसे हम सिर पर पहनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कोरोना वायरस मुकुट जैसा दिखता है। दोस्तों ये कोरोना बीमारी आखिर कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी गलत खबरें फैली हुई हैं दोस्तों, जिससे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं या फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया कि एक चीन का अर्थात चीन द्वारा बनाया गया जैव हथियार है। पर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि विकिपीडिया ने इस खबर को गलत साबित किया है और चीन ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आज के युग में ही ऐसी बीमारियां पैदा नहीं हुई, इससे पहले भी अनेक बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई जैव हथियार है, क्योंकि दोस्तों वायरस जो सजीव भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है, ये हर जगह पर जिंदा रह सकता है तथा कहीं पर भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये अचानक पैदा होने वाली बीमारी है। दोस्तों वायरस से जनित कोई ये बीमारी नहीं है, इससे पहले भी वायरस से बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा हो चुकी हैं दोस्तों, जिनमें सबसे जो घातक बीमारी सिद्ध हुई थी पहले उसका नाम था दोस्तों चेचक अर्थात बड़ी माता। इसके अलावा दोस्तों रेबीज, कसरा, छोटी माता, सार्स, एड्स, पोलियो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ट्रकोमा, हर्पिस, गलसुआ आदि बीमारियां ऐसी हैं दोस्तों जो वायरस से फैलती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत देश में दोस्तों भारत के जो विद्यार्थी थे, मेडिकल विद्यार्थी जो चीन में रहते थे, जब वो भारत देश आए तो उनके साथ बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव आए और उन्हीं बच्चों में से एक दो बच्चों ने हमारे भारत देश में भी कोरोना फैला दिया और धीरे धीरे दोस्तों ये बीमारी हमारे पूरे भारत देश में फैलने लगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 जनवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों 24 मार्च से लगातार 21 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया और उसके बाद में दोस्तों ये लॉकडाउन 28 नहीं और अभी तक चल रहा है। दोस्तों हमारा भारत देश
विविधता वाला देश है और इसकी जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ के लमसम है और इतनी जनसंख्या को बचाना कोई मामूली काम नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भारत देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी तो भारत देश के जो साथी देश हैं अर्थात पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों ने भी भारत देश की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दोस्तों इनमें USA, चीन, नेपाल, इनके अलावा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों ने दोस्तों हमारे भारत देश में कुछ सहायता भेजी। और इसी के साथ 2004 की सुनामी के बाद भारत देश ने पहली बार विदेशी देशों के उपहारों को स्वीकार किया है। दोस्तों कोरोना महामारी से सबसे प्रभावित देशों में दोस्तों USA अर्थात अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और उसके बाद में दोस्तों भारत। भारत देश में दोस्तों अब तक लगभग 3.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 3 करोड़ व्यक्ति कोरोना से संक्रमण हो चुके हैं। दोस्तों अन्य देशों की दोस्तों अर्थव्यवस्था मजबूत तथा जनसंख्या कम होने के कारण वायरस बीमारी को काबू में कर लिया, पर हमारे देश की विशाल जनसंख्या के कारण अभी तक कोरोना वायरस पर कोई भी दोस्तों कंट्रोल नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना वायरस के लक्षण बिल्कुल निमोनिया के लक्षण जैसे होते हैं। इसमें सिंपल खांसी, जुकाम, बुखार आदि होता है। इसका सबसे अच्छा जो उपाय है बचने का वो है मास्क, अर्थात हमें मास्क लगाकर रहना चाहिए। भारत देश में दोस्तों अभी कोरोना वायरस सेकेंड स्टेज में चल रहा है, अर्थात जो शुरू का जो वायरस था वो थोड़ा कमज़ोर था, पर जो सेकेंड स्टेज है कोरोना की वो बहुत मजबूत है दोस्तों। और अगर हम जागरूक नहीं रहे तो शायद इसकी तीसरी लहर भी उठ सकती है और जो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूँ कि सभी घर पर रहिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क लगाइए और सभी लोगों को जागरूक करिए दोस्तों। धन्यवाद।